Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Ice Cream 7. Yes, ये वही horror game है जिसमें एक अंकल ice cream बेचने के बहाने बच्चों को kidnap कर लेते हैं और अपनी फैक्ट्री में ले जाके बंद कर देते हैं। तो आप लोग को याद होगा कि इन अंकल ने हमारे भी कुछ फ्रेंड्स को अपनी फैक्ट्री में किडनैप कर रखा है, जिन्हें बचाने में फैक्ट्री में गया था, बट उल्टा मैं भी वहां पर फंस गया। अभी हम चार दोस्त हैं और चारों के चारों फैक्ट्री में अलग अलग जगह पर बंद हैं। तो हमें पहले एक साथ मिलना है और फिर कुछ भी करके इस फैक्ट्री से एस्केप करना है। लेट्स गो, चलते हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू आइसक्रीम 7। बाय द वे गाइस, मैंने आप लोग को एक चीज याद दिला देता हूँ कि आइसक्रीम 6 में हम तीन फ्रेंड्स साथ मिल गए थे। बेसिकली इस अंकल ने ना चारों को अलग अलग जगह पर किडनैप कर रखा था। तो हम जब चारों मिल जाएंगे एक साथ, फिर उसके बाद इस फैक्ट्री से एस्केप करेंगे। बाय द वे देखते हैं अभी ये जो लास्ट लड़की जो बची हुई है लिस्ट, जिसका नाम है, उसको एस्केप करवाने के लिए क्या प्लानिंग है। बाय द वे उसे अभी एस्केपिंग कराना, साथ लेकर आना है। ये उसका भाई है जो लड़की लास्ट रह गई है, और उन दोनों के आपस में फाइट हो रही है। भाई कोई बटन दबा दिया। अबे भाई इसने मुक्का मारा और कुछ तो हुआ है। ये बेसिकली हमने कंट्रोल रूम में, और यहाँ से हम लोग सारे कैमरास देख सकते हैं, और कुछ तो हुआ गड़बड़। एक सेकंड, शायद कुछ। I'm gonna go rescue your sister. Jay, when I enter the pipe, okay. Keep pressing the button so that the lid stays closed. ठीक है। तो अभी माइक जो है वो गन लेकर कहीं तो जा रहा है उस लड़की को ढूंढने के लिए। All right, let's go. Done, guys. तो अभी वो इस नीली वाली पाइप से कहीं पर जा चुका है और सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, और ये नहीं वो लड़की जिसे हमें यहाँ से आज एस्केप कराना है। ठीक है भाई। Okay. Find a way to escape from the lab and reunite with your friends. Done, guys. अब आने वाला मजा। Wait a second, ये अंकल ने मुझे कैसी सी जगह पे किडनैप कर रखा है, एकदम मेज जैसे अजीबोगरीब से रास्ते हैं। बट हाँ, ये ग्लास के उस पर ये मिनी रोड क्या कर रहा है? बेसिकली रोड के रोबोट्स हैं जो कि उसके लिए सारा काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, शायद से नोट कर रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं। ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है मेरे पे नजर रखने के लिए। ठीक है भाई, बाकी भी मुझे यहाँ पर कुछ तो है इधर प्रेस करने का। लेट्स सी ये क्या है। ओ, सामने बॉक्स बनकर आया डिस्प्ले पे। मैं समझ गया, मुझे शायद से उस रेड वाले, ओ तो भी जो मेरे पास शेप बनकर आई है मुझे वहां तक पहुंचना है, और कुछ तो होगा भाई इससे मुझे पता नहीं। एक सेकंड, ये गलत रास्ता है, मुझे सामने जाना है, यानी ये वाला रास्ता करेक्ट नहीं है। ओ यहाँ से है, यहाँ से है, लेट्स गो। शायद से भी मैं सही आया हूँ, एंड अभी मुझे यहाँ पर लाकर ये डालना है शायद से। परफेक्ट। एट द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट टेस्ट, द टेस्ट सब्जेक्ट हैज ओपन। ओ, कोई दरवाजा ओपन हुआ है क्या? ये ओपन हुआ है भाई। वही मैं कहूँ यार, डोर तो ओपन हुआ है नहीं, डोर ओपन होना भी नहीं था। लेट्स गो। अभी मैं बाहर नहीं निकला हूँ, बस दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, और मैंने अभी वो वाला दरवाजा ओपन कर दिया जो उस टाइम इस तरफ से नहीं खुल रहा था। बट ठीक है यार, अभी यहाँ से आगे किधर बढ़ना है? ये क्या है यहाँ पर? ये वाला दरवाजा ओपन हो चुका है और मैं इसकी फैक्ट्री में भाई बिल्कुल भटकने वाला हूँ, खतरनाक। ये सामने क्या है? फ्यूज बॉक्स। इट्स टू फार अवे, यू नीड टू हिट इट विद समथिंग इलेक्ट्रिफाइड टू रीएक्टिवेट इट। ओ, तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई बॉक्स है जिसमें शायद से, जो कि अभी डीएक्टिवेट हो रखा है, और शायद से इन फ्यूचर हमें इसे रीएक्टिवेट करने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर एक वेंट है। मेरे को पता है थोड़ा बहुत डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अंकल भैया कभी भी कहीं से भी आ सकता है, उसे पता नहीं है मैं यहाँ से एस्केप कर चुका हूँ या फिर नहीं। चूहे, चूहा क्या कर रहा है इसके अंदर? भाई मैं कहूँ चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? चूहा बैठा हुआ है भाई, ये कोई तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है या कुछ तो है, पर चूहा अंदर किडनैप हो रखा है, और उसके लिए ऐसे देखो गेमिंग वेमिंग सेटअप भी बना रखा है। उस तरफ में भी कोई तो रूम है जो कि लॉक्ड है दूसरी साइड से। वेट, दूसरी साइड पे जाने का रास्ता यहाँ पर है। बट इफ यू फॉरगेट अगेन वेयर यू लेफ्ट द की कार्ड टू ओपन द लैब, रिमेंबर देयर इज वन इन द सेफ इन द स्टोरेज रूम इन द टाउन पार्किंग लॉट। Kisses to myself, Rod. Okay. तो यहाँ पर ये जो नोट है ये रोड ने लगाया है कि अगर तुम अपना कार्ड, मतलब किसी अपने एम्प्लॉय के लिए लगाया होगा कि बाय चांस वो अपना ये वाला कार्ड भूल जाता है, तो एक कार्ड और है जो कि पार्किंग लॉट में कोई स्टोरेज रूम है वहां पर पड़ा हुआ है उसके सेफ में, तो शायद से मैं वहां पर जाना होगा। और ये कॉलिंग रूम है और शायद इसके थ्रू मैं उनसे बात कर सकता हूँ अपने बाकी फ्रेंड से। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है वो नीली वाली पाइप से आ रहा था। यस, वो दूसरी साइड से नीचे आ चुका है। और Can you hear me? Are you okay? और अभी ये दोनों मिलने वाले हैं, बट एक दूसरे के इधर उधर नहीं जा पाएंगे। लेट्स गो। अभी काफी क्लोज आ चुके हैं, अभी हम दोनों को मिल के यहाँ से एस्केप करना होगा। Liz, I finally found you. Okay. वो कैमरा से देख के बात कर रहा है तीसरा बंदा। Is that you?
भाई अभी ये गेम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ये अब ये हॉरर गेम नहीं रह गया, एक पजल गेम ज्यादा हो चुका है। ये देखो वो उसका भाई सो रहा है, ये यहाँ पर कंप्यूटर से बात कर रहा है कैमरास के थ्रू देख के, ये हेल्प करने वाला है हमारी काफी। What a coincidence. Okay. Looks like Rod is going to town. Rod town ja raha hai. Oh, teri bhaiski. Ouch. Uske kya phek ke mara bhai. Stop fooling around and follow Rod into town. I need you to get what he keeps in his safe. Isko mat bhejo bhai, thoda dumb hai. Okay, I'm coming. To abhi Jake ne usko bhej diya hai Liz ke bhai ko. Wo uski gaadi mein peeche aakar baith chuka hai aur abhi शायद से हम लोग वो कार्ड ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि उस कार्ड के थ्रू वो पीछे वाला दरवाजा खुल जाएगा। अभी गाड़ी आ रही है, बैठ उसमें। एक तो भागता भी धीरे। ओह फाइनली शायद से अभी बैठ गया होगा क्योंकि गाड़ी ने ब्रेक मारी थी। ओके उसको पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। तो अभी ये गाड़ी लेकर पार्किंग लॉट में आ चुका है जहाँ पर वो सेफ है, जिसके अंदर वो की कार्ड पड़ा हुआ है। बट मुझे संभल के रहना होगा क्योंकि अंकल भी साथ में आए हैं, मतलब रॉड आइसक्रीम अंकल। तो अभी सबसे पहले मुझे इसे ओपन करना है आराम से, मेरे को बस की कार्ड ढूंढना है और ले जाके लिस को देना है, अपना काम हो जाएगा। वो फिर वहाँ से एस्केप कर कर आ पाएगी। बाकी यहाँ पर ना कोई सेफ, मतलब वो जो छोटे वाले लॉक होते हैं ना, लॉकर, वो ढूंढने हैं मेरे को, मतलब वो ढूंढना है यहाँ पर। अबे ये है क्या? वो यही है, बट इसके अंदर देखने में ऐसा लग रहा है तीन चाबियाँ लगेगी। दिस सेफ इज़ लॉक विथ थ्री कलर्ड कीज। ये सब इतना आसान नहीं होता भाई इस गेम में। अब ये तीन चाबी ढूंढने के लिए जितनी बैंड मेरी बजने वाली है ना, वो मुझे पता है। बाकी यहाँ पर कुछ और दरवाजे हैं। वेट, मुझे इस तरफ से कुछ तो आवाज़ आ रही है। ओ तेरी, ओ भाई ये इधर ही बैठा हुआ है। एक सेकेंड, मेरे को यहाँ से निकलना होगा भाई। यहाँ पर मेरे को कुछ ढूंढना ढांडी तो करनी पड़ेगी। वो आ तो नहीं रहा ना? अभी आ रहा है यार। वेट 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 वेट, अभी नहीं अभी नहीं। पहले उससे मैं पहले बचूंगा, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ढूंढना ढांडी शुरू करूंगा। एक सेकेंड, ये कुछ शॉर्टकट रास्ते है, ये यूज़ करता हूँ ना। वो अपना बार बार घूमेगा, अंदर तो नहीं आएगा ना। वैसे जिस रूम से रोड भागा है, मैं वापस उस रूम में आ चुका हूँ। हो सकता है यहाँ पर कोई की पड़ा हो। ये डब्बे में नहीं है, ये डब्बे में नहीं है। और मुझे जल्दी ढूंढा डांडी करनी होगी, वो कभी भी वापस आ सकता है। ये क्या है? पूल की कोई तो स्टिक पड़ी है यार, बट मेरे को चाबी चाहिए अभी। वो बाद में अगर काम आनी होगी तो मैं तब ढूंढूंगा। यहाँ पर एक वार्डरोब है, बट ये मेरे छुपने के लिए है यार, इसके अंदर चाबी नहीं होगा। राइट साइड से यार, अरे वेट, वो शायद से यहाँ पर कुछ सामान वामान लेने आया था अपना फैक्ट्री का। मुझे ये क्या है? कार्ट, देयर इज समथिंग शाइनी ट्रैप्ड अंडर द गो कार्ट। भाई गो कार्ट के नीचे चाबी पड़ी है, मेरे को दिख गई। बट मुझे ना इस गो कार्ट को ऐसे लिफ्ट करना होगा ऊपर। यार वैसे तो मैं असली में होता तो धक्का मार के चाबी निकाल लेता या हाथ डाल के, बट अभी मुझे इसे लिफ्ट करना होगा। उसके नीचे एक चाबी पड़ी हुई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमसे तेज नहीं, हम ज्यादा। अरे भाई मुझे लग रहा था वो उधर से आएगा। भाई वेट, दरवाज़ा खोलो, बंद करो इसे। भाई आइसक्रीम अंकल सच में कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। एक बारी इस तरफ चलकर देखता हूँ ये वाला दरवाज़ा ओपन करके। इसे एक रूम ये वाला भी है, इसमें काफ़ी अंधेरा है, हो सकता है यहाँ पर कोई की हो। तो ठीक है, अभी आइसक्रीम अंकल वापस से अपनी वैन पे काम करने आ चुके हैं। मैं चुपचाप से अभी जाकर ना ढूंढा ढांडी कर सकता हूँ, और अंदर जाकर ना वाला दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि वो बाहर से मुझे देख ही ना पाए। बाकी यहाँ पर भी बहुत सारे रूम तो है, इधर से गेम चलने की आवाज़ आ रही है, बट ठीक है। मुझे यार अभी फालतू गेम नहीं खेलना, मुझे बस की ढूंढनी है यहाँ पर। ओ वेट, एक की यहाँ पर पड़ी हुई है भाई, सियान की मेरे को मिल गई। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, इसकी को चल। अरे बाप रे, मैं उसको सामने आ गया। इसकी को चलकर मैं कह रहा हूँ लगा देते हैं फटाफट से उसके अंदर। और उसके बाद भी मुझे दो की और ढूंढनी है। और मैं ना भाई पूरा इस जगह को पूरा अच्छे से चेक कर चुका हूँ, मुझे कहीं पर भी की नज़र नहीं आ रही। आई थिंक अभी मुझे कुछ अलग अलग लोकेशंस पर भी जाना पड़ेगा इस वैन को लेके, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक की मेरे को यहाँ पर और मिली है। बट उसके लिए मुझे इस कार को लिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है मतलब। तो इसको बंद करते हैं और अभी वैन को लेकर चलते हैं दूसरी जगह पे। यहाँ पर पार्किंग में मैं हूँ, मैं फैक्ट्री जा सकता हूँ। स्टॉल चलते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से तो मैं आया ही हूँ, तो स्टॉल पर चलते हैं। जॉइन गाइस, सो भी अपनी वैन स्टॉल पर आ चुकी है और अब मुझे चुरानी होगी दूसरी की। अब यहाँ पर करते हैं ढूंढा ढांडी, देखते हैं कि इधर कुछ ऐसा सामान मिलता है जो अपने काम आ सकता है या फिर नहीं। क्या पता यहाँ पर मुझे एक की और। अरे वेट, की छोड़ो, मुझे यहाँ पर हाइड्रोलिक जैक मिल चुका है जिसके थ्रू मैं उस कार को लिफ्ट कर पाऊंगा। भाई लेट्स गो, इसको करो बंद। चलो भाई अभी फटाफट हम लोग वैन से बाहर निकलते हैं और चल के थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है जिसके थ्रू मैं थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी कर पाऊंगा या फिर। अरे बाप रे, तो यहीं पर भाग के आ रहा है। अरे अंकल ऐसे पंगे मतलब यार, खाली बिली रुक जाओ। ये यार, ओ वेट, ऊपर देखो, ऊपर कुछ तो पड़ा हुआ है। वहाँ पर हमको सीढ़ी लगा के जाना पड़ेगा, बट
ये पीछा तो छोड़े यार, दो सेकंड भी मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। लेट्स गो। तो फटाफट बाहर निकलते हैं और चल के ढूंढ ढांडी करते हैं कि इस जगह पर मुझे कुछ काम का मिल पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल एक बंदा जरूर मिल चुका है और वो है आइसक्रीम अंकल। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। ओ वेट, उसने नोटिस कर लिया भाई, मुझे पकड़ लिया यार उसने। मैं बस हल्का सा स्नीक पीक कर रहा था बट पकड़े गए हम। मेरे को छी यार, मैं भाग सकता था चाहता तो, बट ठीक है। अभी इसने फ्रिज के अंदर, अरे बाप रे, फ्रिज के अंदर बंद कर रखा था, ठंड लग रही थी, बट हम लोग हल्का सा बाहर निकल गए हैं। लेकिन इस वेयर हाउस से भी तो बाहर निकलना है यार। यहाँ पर वो भी बाहर है भाई, एक सेकेंड। बाकी यहाँ पर वुडन वेज, ओ इसको हटाने से क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट मैं शायद ओके, तो शायद मैं इस रेफ्रिजरेटर को स्लाइड करने वाला हूँ। पुश करके मैंने उसे गिरा दिया। मैं अभी यहाँ से बाहर आ चुका हूँ एकदम सेफली। लेट्स गो, मुझे एक बार ही देखना है बस कि अंकल यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इधर से ना कुछ आवाज़ तो आ रही थी, ये देखो कुछ तो छानबीन यहाँ पर कर रहा है, और ऊपर ना वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। एक सेकेंड, शायद से मेरे को इसके ऊपर चढ़ना, यार मैं इसके ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहा। मुझे सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी भी नहीं ले पा रहा यार, वो सीढ़ी इसके यहाँ के लिए। मुझे ऊपर जो चीज पड़ी है उसे चाहिए होगी वो, बट वेट यार, मुझे देख लिया, मेरे को दोबारा से फटाफट भागना पड़ेगा भाई, बहुत गड़बड़ हो जाएगी वरना। एक सेकेंड, यहाँ पर अबे ये क्या है, हाइड्रोलिक जैक, लेट्स गो। मुझे भी हाइड्रोलिक जैक मिल चुका है जिसके थ्रू मैं उस कार को ऊपर लिफ्ट कर पाऊंगा। और मैं एक चीज समझ गया, हमें जो स्टिक मिली थी ना पूल वाली, उस पूल स्टिक के थ्रू शायद इसको नीचे गिराना है या फिर लाना है। बाकी ठीक है, अभी अपना काम हो गया। शायद से मेरे को दोनों की मिल चुकी है। अब फटाफट से हम लोग इसे लेकर चलते हैं वापस से पार्किंग पे। डन गाइस, तो मैं पार्किंग पे आ चुका हूँ और अभी मुझे जाना है येरी गो कार्ट बस। अरे ये यहाँ कभी भी कहीं भी आ जाता है भाई, इसकी अलग ही टेलीपोर्टर है। तो हमारी बहन अभी जस्ट यहाँ पर पहुंची और ये इधर आ गया। ओके, ये भी थोड़ा आराम आराम से आगे बढ़ता हूँ। वेट, ठीक है, वो ऐसे नहीं गया। ऑल राइट, तो फाइनली मैंने अंकल से अपना पीछा छुड़ा लिया है, बस अब वो यहाँ कहीं पर ना हो। ठीक है, इधर नहीं है, मैं इस जैक को यहाँ पर लगा सकता हूँ, देन मुझे इसे ऊपर पुश करना है ताकि कार लिफ्ट हो जाए। यस यस, ओ हो, दूसरी की मिल चुका है, येलो की। अब फटाफट से इस येलो की को भी ले जाकर मैं उस सेफ में लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे वो स्टिक चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है उस स्टिक के थ्रू हम लोग वो बॉक्स को ना नीचे गिरा सकते हैं। और क्या पता उसमें से की ही मिल जाए या फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग की को ढूंढ पाएँ। बाकी ठीक है, वो पूल स्टिक ये रही। अब फटाफट से इसको लेकर चलते हैं वैन में, बैठते हैं और चलते हैं वापस से उस जगह पे। अंकल जी एक सेकेंड, मैं इसको ना कंफ्यूज करता हूँ, ये ऊपर है ना। हेलो हेलो, अरे उसने नहीं देखा। चलो स्टॉल पे, लेट्स गो। डन गाइस, तो अभी मैं स्टॉल पे आ चुका हूँ, मुझे राइट साइड से अंकल के हंसने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इतना तो मैंने नोटिस कर लिया कि वो कभी भी कहीं पर भी आ सकता है और वो उधर बैठ के कुछ कर रहा है। ठीक है, मैं सेफ हूँ, मुझे बस ये बॉक्स गिराना है। लेकिन यार ये साउंड करता है काफी, गिरियो ज्यादा तेज आवाज। अरे ओ की मिल गया भाई, सीधा मेजेंटा की। मुझे लग रहा था कि कोई नोट गिरा उसमें से, बट ठीक है, अपने को मेजेंटा की मिल चुका है, अपना काम हो गया। फटाफट से हम लोग चलते हैं अभी वापस पार्किंग पे। तो तीनों की हमें मिल चुकी है, यानी अब मैं सेफ को ओपन कर पाऊंगा और उसके अंदर से ना यार अब बस वो की कार्ड मिल जाए जिस की कार्ड को का यूज लेस कर सकती है। ठीक है, तो इसको लगाया यहाँ पे, ये ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर मुझे की कार्ड मिल गया। डन भाई, ये क्या चीज़ है लेकिन, न्यूज़पेपर, द नन ऑफ दिस स्कूल, नहीं जी नन वन के बारे में नहीं पढ़ना। लेट्स गो, तो मैं अपना की कार्ड लेकर आ चुका हूँ वैन में बैठने के लिए। जल्दी से गेट बंद करते हैं और अब वापस चलते हैं फैक्ट्री पे, क्योंकि अब हमें ये की कार्ड ले जाकर इसको देना है। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगा भाई मेरे को, क्यों लेकर आ गया भाई की कार्ड, बट हाँ बीच में मेरे को ये हो गया था कि दो की तो मेरे को समझ आ गई थी, एक मिल गई थी, दूसरी दिख रही थी, तीसरी की मुझे नहीं पता था उस बॉक्स में होगी। बाय चांस अगर वो बॉक्स मान लो मेरे को नहीं दिखता तो प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा ठीक है, अभी किस में कूदेगा, अच्छा ये कैमरे में मजे ले रहा है, की कार्ड दिखा रहा है कि मैं लेकर आ चुका हूँ और आ जा नीचे। अबे ये खुद नीचे नहीं आया, इसने की कार्ड नीचे फेंक दिया। ये अलग ही भुक्कड़ है भाई, इसको केक दिख गया और अभी ये इस केक को खाने लगा। भाई क्या भाई, मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि वो बच जाएगी और ये दोबारा पकड़ा जाएगा, बट ठीक है, की कार्ड अपने पास आ चुका है, की कार्ड उठा लेते हैं भाई। एंड अभी हम लोग वो दरवाज़ा खोल पाएंगे जो स्टार्टिंग में खोलने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है भाई, उस तरफ में माइक है जिससे हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। ओपन दी एग्जिट डोर टू एस्केप फ्रॉम दी लेबोरेटरी एंड जॉइन योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो फटाफट पहले यहाँ से निकलते हैं हम लोग बाहर, ये कॉलिंग रूम है। अगर अभी हमें वापस माइक से इन लोग से हेल्प लेने जाना है तो मुझे इस वाले रूम में आना होगा। तो ये वाला दरवाजा नहीं ओपन हो रहा था ना, ठीक है, ये लगाया कार्ड,
एंड डोर ओपन हो चुका है, परफेक्ट। लेकिन ये की कार्ड मैं और भी डोर में यूज कर सकता हूँ, एग्जिट डोर है। ओह, तो ये जो ग्रीन वाला है ना, ये प्रॉपर एग्जिट करने का हमारा। ठीक है भाई, तो मुझे यानी इसको ओपन कैसे करना होगा। द डोर इज लॉक्ड विद एन इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म, फाइंड अ वे टू सबोटाज इट। ठीक है भाई, कुछ तो सबोटाज करना है। चेंज कैरेक्टर यूजिंग द कम्युनिकेटर इन द सेफ रूम। ओह ठीक है, तो शायद से अभी हमें पता चल चुका है कि हमें इलेक्ट्रिकल वाली जो चीज़ है वो दूसरी साइड से होगी, यानी वो माइक कर पाएगा। तो ठीक है, अभी फटाफट हम लोग माइक से बात करते हैं और रिपेयर एंड अपग्रेड योर वेपन। डन गाइस, तो भी मैं बन चुका हूँ माइक और मुझे लिस की हेल्प करने के लिए वो जो इलेक्ट्रिकल पैनल वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। दोबारा से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। आई होप कि अंकल यहाँ से जा चुके हो। ठीक है, सामने तो नहीं नजर आ रहे बट हो सकता है राइट लेफ्ट या फिर किसी रूम में छुप कर बैठे हो। बाय द वे गाइस, ये जो ऊपर वायर है मुझे इसी को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यही मेरे को मेन उस रूम तक ले जाएगी जहां से हम लोग वो इलेक्ट्रिकल डोर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अंकल यहीं पर हैं। मैं काम कर सकता हूं, मेरे पास ना ये मस्त नहीं गया भाई, गया, पकड़ा गया यार मैं दोबारा। मुझे इसने अभी फ्रिज के अंदर लाकर बंद कर दिया है। और वेट एक सेकेंड भाई, ये कितना घटिया आदमी, मतलब आइसक्रीम की फैक्ट्री, इसका मतलब टॉर्चर के लिए फ्रिज में बंद करेगा कुछ भी। बाकी ये गेट है जहाँ से मुझे बाहर निकलना है। दिस डोर्स लॉक्ड विद एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, शायद से यही है वो इलेक्ट्रिकल पैनल वायर जोड़ी। अरे वाह, इतना आसान। ठीक है भाई, 2 सेकंड में वाला दरवाजा मैंने ओपन कर दिया। भाई तभी मेरे को अपनी गन ढूंढनी पड़ेगी यार। मेरी गन ना खराब ना होती ना तो मैं उस टाइम ही उसको मतलब इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता था, बट अपनी गन भी तो खराब है, मुझे उसे पहले रिपेयर करना होगा। और वेट, अंकल यहाँ पर दोबारा से आ चुके हैं, मुझे उनसे बच के रहना होगा। तो गाइस देखो, ये जो बड़ा वाला रूम है ना, ये इस पूरी फैक्ट्री का कंट्रोल रूम है। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है ना तो मुझे वो वाला बटन जाके दबाना होगा, और क्योंकि वायर वहीं पे आके कनेक्ट हो रही है। बट अंदर जा सकता हूँ मैं। द डोर इज मेड फॉर मिनी रोड्स, यू हैव टू फाइंड वन टू हेल्प यू। वेट, मुझे कोई ऐसा मिनी रोड ढूंढना होगा जो मेरी हेल्प करे, बट ऐसा कैसे होगा मुझे ये नहीं समझ आ रहा। फिलहाल ये अंकल मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। एक सेकंड, तू पीछे आ जा। अरे भाई हर तरफ से। एक मिनट, यहाँ पर एक दरवाजा है, यहाँ क्या मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। वेट कुछ मिनट है। ओके, आई थिंक मैं अभी भी सेफ नहीं हूँ, मेरे को भागना चाहिए इधर से। ये वाला एरिया ज्यादा सेफ है। तो गाइस, ये वाला जो रूम है ना, यहाँ पर एक वर्क बेंच है जिस पर मैं अपनी गन रिपेयर कर सकता हूँ। अ वेरी स्टिकी मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड। मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, कोई तो बहुत स्टिकी मटेरियल चाहिए और एक कोई फ्लूइड चाहिए होगा। और मैं फिर से मरूंगा। नहीं, मैं बच भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, मुझे नहीं पता। पूरी लास्ट चांस है, अंकल सामने से आएंगे, बट ठीक है, मैं बच गया भाई। मेरे पास एक ट्रैप है, एक बार गन रिपेयर होगी ना भाई, मजा आ जाएगा गलत लेवल। बाकी गाइस अभी ना मैंने एक चीज और नोटिस करी की वेट, ये वाला जो रूम है ना, ये इस रूम के लिए मेरे को चाहिए होगा लेवल 2 का की कार्ड। और मैं मरा। ओ नहीं, बच गया, ये रिपेयर ना हो जाए। हट जा, लेट्स गो। मुझे लेवल 2 का की कार्ड चाहिए होगा जो कि मेरे को लिज लाकर दे सकती है। तो वापस से चलते हैं कोलिंग रूम में, उसके पास जो की कार्ड है शायद से वो लेवल 1 का होगा। तो यानी पहले हमें उसे अपग्रेड भी करना पड़ सकता है। तो पहले लिज को कॉल करते हैं, देखो उस पे भी 1 लिखकर आ रहा है, बट मैं इसे अपग्रेड कहां से करूंगा। कुछ होगा यहां पर शायद से ऐसा जिसके थ्रू मैं इसे अपग्रेड कर पाऊं, मे बी कुछ तो होना चाहिए। वहां पर चूहे हुए थे शायद, उससे कुछ हो। बाकी ठीक है, रोड यहां पर भी आ सकता है तो मुझे उससे संभल के रहना होगा। यस, इस तरफ मैं अभी तक एक बार भी नहीं आया था। यहाँ पर ये क्या है, अपडेट पैनल, लेट्स गो। पैनल मतलब इससे अपग्रेड हो जाएगा शायद से अपना कार्ड। यस, लेवल 2 का ये हो चुका है। अभी मुझे बस ये ले जाकर उसको वापस करना है, इन सबसे बच के रहना है क्योंकि ये शोर मचाते हैं, उसके बाद ही रोड आता है, अदरवाइज वो आता ही नहीं। तो अगली बार मैं एकदम ध्यान रखूंगा। डन गाइस, तो अभी मैं ये रख देता हूँ यहाँ पर और अभी माइक को बोल देता हूँ आगे का काम करने के लिए। डन, अभी इस की कार्ड से मैं वो वाला दरवाजा ओपन कर पाऊंगा जिस बड़े वाले रूम में काफी सारी चीजें पड़ी हैं। आई होप वहां पर कुछ ऐसा सामान भी हो जिससे मेरी गन रिपेयर हो जाए एटलीस्ट। ओके, दरवाजा ओपन। यहाँ पे कोई नहीं है यार, ये एग्जिट रूम है, बस ये ओपन करना है। नाइस, यहाँ पर। ओह वेट, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, मेरे को मिनी रोड से बच के रहना है। मेरे को ना गाइस कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, बस मिनी रोड से बच के रहना है। अगर उनसे बच के रहूंगा तो मैं फुल सेफ हूँ। लेट्स गो। ये वाला दरवाजा तो मैंने ओपन कर दिया था, मुझे वो बड़े वाला डोर ओपन करना है यार। ये यहाँ पे क्या कर रहा है अभी भी? भाई सही टाइम पर मैंने नोटिस कर लिया और मैं वहां से बच गया। भाई तो मैं यहाँ पर, ओ वेट, नहीं, मरूंगा। इसी को ओपन कर देता हूँ। डन, अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कौन कब कहाँ से आ रहा है। इस वेंट को ओपन कर देते हैं, लेट्स गो। अभी अपने पास मल्टीपल रास्ते हो चुके हैं
रॉड उधर चला गया. यहाँ पर एक कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक एंकरिंग. द इलेक्ट्रॉनिक एंकर ऑफ द पाइपलाइन इज अबाउट टू ब्रेक. हमें इसे तोड़ना है, बट कैसे क्यों वो मुझे नहीं पता. और ये देखो गाइस, मुझे यहाँ पर एक इनकम्प्लीट रोबोट मिल चुका है, और शायद से इसी रोबोट को हम लोग अपना रोबोट बनाकर उस जगह पर कंट्रोल रूम में भेज सकते हैं वो दरवाजा ओपन करने के लिए. मुझे भी पूरा समझ आ गया क्या कैसे करना है, बट उन सब के लिए मुझे गन रिपेयर करना होगा. वेट, वो बाहर है पूरा. यही आ रहा है क्या? नहीं गया, वो किसी और दूसरी जगह पर चला गया. बट ठीक है, मेरे को इसमें चाहिए क्या? ऑयल टैंक. ओ, उस वाले रूम में एक ऑयल गिरा हुआ था, तो शायद से मेरे को ऑयल लेकर आना है. और ये क्या है? इट इज एन एयर हेड, ही लैक्स ब्रेन. तो इसके में क्या डाल, मतलब इसका ब्रेन है ही नहीं भाई. ठीक है भाई, मतलब इतना भी इनकम्प्लीट नहीं देना था. बाकी यहाँ पर एक ड्रॉर है जिसमें हमेशा की तरह कुछ भी नहीं मिला हमें, और कैबिनेट है तो छुपने के लिए होगा. बंदी कर लो इसे. यहाँ पर कुछ पेन ड्राइव नहीं, ये भी अपने काम की नहीं है. बाय द वे वो स्क्रू ड्राइवर था यार. मुझे ना इस तरफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखी थी. एक सेकेंड, पहले थोड़ा संभल के चलता हूँ, वो अंकल ना आ जाए. ये कोई कंडक्टिव फ्लूड, मैंने इसका कहीं तो यूज देखा था. अरे वेट, क्या इसमें लगेगी ये कंडक्टिव फ्लूड? शायद से अपनी गन रिपेयर करने के काम आएगी. यस यस यस, उसमें लिखा हुआ था ऐसा कुछ. डन गाइस, तो भी मुझे एकदम संभल के जाना होगा अपने वर्क बेंच वाले रूम में जहाँ पर मैं अपनी गन रिपेयर कर रहा था. ठीक है, मैं आ चुका हूँ. यहाँ पर कोई भी नहीं है. इस पे लगेगा ये. यस, तो अभी बस मुझे एक स्टिकी मटेरियल लेकर आना है, और वो सब शायद मुझे लिस्ट से मिल पाए. मे बी, मेरे को ऐसा लग रहा है. एक बार चलते हैं लिस्ट के पास, क्योंकि यहाँ पर मुझे और चीजें नहीं मिल रही है. मेरे को रोबोट को रिपेयर करने के लिए भी दो चीजें चाहिए, और इधर भी. तो लिस्ट से बात करते हैं. और इट्स योर टर्न प्लीज. ओके, मैं अभी गन रिपेयर हो जाएगी ना यार, मजा आ जाएगा. बस एक चीज और चाहिए गन रिपेयर करने के लिए, बहुत क्रेजी सीन हो जाएगा. बाय द वे, ये दूसरी वाली साइड पे तो मेरे को कुछ रास्ते भी ज्यादा याद नहीं है. बट अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर ना रोबोट्स कम है. ये एक दरवाजा है, ये ओपन हो गया. इस दरवाजे में वार्डरोब है, यहाँ पर कुछ नहीं है, और इधर भी कुछ नहीं है. इधर ओ सुपर स्टिकी गम भाई, लेट्स गो. एक कैंडी मिल चुकी है, और अभी मैं गन रिपेयर कर पाऊंगा. ठीक ठीक ठीक, अभी अपना काम हो गया, अभी सब हो गया भाई. अब आ गया असली मजे. चलो भाई, ले भाई तेरे लिए स्टिकी आइटम, मैं 2 सेकंड के अंदर ले आ. चल अब तेरे ऊपर सब कुछ. इसे स्टिकी कैंडी को लेकर चलते हैं जहाँ पर अपने वर्क बेंच वाले रूम में, और गन बना लेते हैं भाई पूरी. बस ध्यान से एक बारी गन आ जाए, उसके बाद में जल्दबाजी कर सकता हूँ. बट अभी बहुत संभल के, लेट्स गो. गन मिल चुकी है हमें, और अब आ जा बेटा, अब कोई आ जा जरा सामने, फोड़ दूंगा. पहले तो मेरे को इस गन को लेकर जाना है यार उधर, जो इलेक्ट्रिक वाला सीन था ना. इधर मार दिया मेरे को ये गन. ध्यान से, अंकल तो नहीं है ना? कहां से वेट, कहीं से तो आवाज आ रही है. उसने मेरे को देख लिया है, और ये साउंड तभी आता है जब अंकल बोल फालतू. 60 सेकंड के लिए अभी ऐसी रहेगा. बाकी यहाँ पर मुझे मारना है एक शॉट. ये अबे आइसक्रीम कहाँ से आके गिर गई? ये कुछ तो है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट. सीक्रेट इंग्रेडिएंट किस काम आएगा वो तो नहीं पता. शायद अभी मुझे वो ऑयल का सॉर्ट करना होगा, और उसमें दोबारा से एक बार लिस्ट के पास चलते हैं. अरे ये तो एग्जिट रूम है. वेट, कॉलिंग रूम में जाना है ना मेरे को. यस, तो ये है अपना कॉलिंग रूम. क्या मैं ये वेपन लिस्ट को दे सकता हूँ? बहुत मस्त हो जाएगा यार. आई थिंक मैं ये दे सकता हूँ भाई. अब आगे मजे, ले आओ इसको, ले आओ. बस दरवाजा खोलो जरा, लेट्स गो गाइस. तो अभी लिस्ट के पास एक गन आ चुकी है, यानी अब हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. बाय द वे, इस वाली साइड पर ना बहुत सारी चीजें मेरे को ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट पड़ी हुई है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस काम आने वाली है. मतलब मेरे को पता नहीं यहाँ से क्या क्या लेकर जाना है बेसिकली. अगर मैं इसको मारूं, ओ, ये भी 60 सेकंड के लिए बंद हो जाता है भाई. नाइस. ओ, यहाँ पर भी कुछ था ना, इस पे भी मारता हूँ. कुछ हुआ? अच्छा, ये दरवाजा खुल गया. ये पहले लॉक था, और अभी इस दरवाजे में क्या कुछ काम का है? अगर ओपन हुआ है तो पक्का होगा. स्टेबलाइजिंग लिक्विड, ये पता नहीं किस काम आएगा. गन अपने पास रखता हूँ, क्योंकि अगर अंकल आएंगे यहाँ पर तो मैं उन्हें डाउन कर डालूंगा. यहाँ पर एक रूम और है, ये मैंने चेक कर लिया था क्या? इसमें भी यार कुछ ऐसा खास नहीं मिल रहा मेरे को. वो जो स्टेबलाइजिंग लिक्विड है, क्या वो उसको तो नहीं डालना? मतलब एक सेकंड, आगे एक रोबोट है, पहले मैं इसको बचाऊं जरा. कहाँ पर है? इंट्रूडर. एक सेकंड, ये मैं इस रूम के दूसरी साइड पर आ चुका हूँ. पहले मैं इधर था, अभी मैं इधर आ गया हूँ. और ओ, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर डलेंगे, और शायद फिर कुछ बनेगा. आई थिंक तो जो मेरे को वो मिला था उसे लेकर. अरे अरे तू फिर उठा, चुप बैठ. हाँ चुप यार, गन मेरे को जल्दी से उठानी पड़ेगी. गन ही मेरी पावर है भाई अभी. तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक मैं लेकर आया हूँ, इसको इसके अंदर डाल देते हैं. ये ऐड हो गया. मुझे अभी ऐसे दो और ढूंढने हैं, बट किधर से मिलेंगे पता नहीं. ओ एक सेकेंड, यहाँ पर एक ओ वेट, मेरे को ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई गाइस. पहले मेरे को जाना होगा कॉलिंग रूम में. अब मजा आ गया भाई. इसको रखो जरा यहाँ पे, ठीक है? इससे क्या होने वाला है मैं अभी आपको बताता हूँ. बट अभी पता है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी वो गन जिसको मैं वहां पर छोड़कर आया हूँ, उसको फटाफट से ना लेकर आते हैं. मैंने किधर रखी थी यार? ये रही, ये रही, ये रही, ये रही.
आजा अंदर अंदर तेरी ऐसे के। चुप हो, अरे चुप हो, दिमाग खराब कर दिया इसने। तो ठीक है, अभी फटाफट से ये वाली गन भी हम लोग लिस्ट को दे देते हैं, वो माइक को दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो गन है वो मैंने माइक को दे दिया है, और मेरे को साथ में इससे वो भी चाहिए होगा ना, जो ये ही तो इम्पोर्टेंट है। ये ले, तो फटाफट से इसको उठाते हैं, और अगर बाय चांस अंकल आए तो मैं अंकल को ना ले आके गन ठोक देंगे। ठीक है, बट ये जो चीज मैं लेकर आया हूँ इसका यूज मेरे को प्रॉपर पता है। बट वेट, यहाँ पर एक वाला रूम नहीं था जिसमें ऑयल गिरा हुआ था यार? हाँ चला गया वो। ऑयल वाला रूम यार कहीं पर तो देखा था, अभी मिलेगा नहीं टाइम पे। आई थिंक यही था। यस, तो इसमें से मेरे को ऑयल भरना है बस, बट ये बंद कर देता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ से इसमें ऑयल भर जाएगा और अभी मैं इसके थ्रू ऑयल को उसमें डाल पाऊंगा। यस, मुझे उस रोबोट को भी तो रिपेयर करना है ना, अभी अपना काम हो जाएगा। फटाफट से इसमें ये ऑयल डाल देते हैं। यहाँ पर कहाँ डालेगा ये ऑयल टैंक? चल डल। परफेक्ट, ऑयल डाल चुका है और अभी आधा काम कंप्लीट हो गया। बस मेरे को भी ना एक चीज और चाहिए, ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आई थिंक ये मैं इस पिपेट के अंदर कैरी कर सकता हूँ। आई थिंक हो तो जाने चाहिए। बस पहले ना इस मिनी रोड को यहाँ से जाने देते हैं, उसके बाद यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा और इसको फटाफट कर लेते हैं कैरी इसके अंदर। बस मुझे लग ही रहा था आ जाएगा। डन गाइस। अरे थोड़ा सा पहले उठ गया मैं। चलो अभी ये भी इसके अंदर आ चुका है एंड अब मुझे यहाँ से करना है एग्जिट, बस कोई एंड टाइम पर मुझे ना पकड़ ले। डन हो गया भाई, अब आने वाले अपने मजे। बट अभी ना रोबोट को रिपेयर करने के लिए मुझे एक चीज और चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस वाले शायद सीक्रेट इंग्रेडिएंट से मिल जाएगी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो जो मशीन है ना, उसमें ये सब मेरे को ले आके डालने हैं, फिर शायद से मुझे कोई तो इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है जो कि उस रोबोट को रिपेयर कर डालेगी। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। बाय द वे ये किधर आ गया मैं? अरे वेट, मुझे इस रूम में जाना है ना, बस इसको कर दो बंद। चलो अब आराम से मेरे को डालना है इसके अंदर। यस, पिंक ग्रीन, और अभी एक रह गया यार, एड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एड करने है इसमें। लिक्विड हो गया, सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो गया, प्रोटीन्स किधर मिलेंगे भाई? इस बुक में है क्या? अब यार ये प्रोटीन्स कहाँ पर मिलेंगे उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, बट फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी करते हैं, क्या पता यहीं कहीं पर मेरे को मिल जाए, क्योंकि माइक वाली साइड मेरी तरफ से पूरी क्लियर है। हाँ, तो अभी मुझे फटाफट से इसी जगह पर पूरी, अरे ये क्या? अबे भाई वेट, लेट्स गो, हमें प्रोटीन्स भी मिल चुके हैं, बस अब मेरे को इसको ले आकर ऐड करना है और फिर उसके बाद देखते हैं भाई क्या न्यू एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होने वाला है। इसको करो बंद, शायद से चूहा मिलेगा हमें, मेरे को तो बस ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये केज है उसके अंदर चूहा कैद है, बस इतना मेरे को समझ आ रहा है। तो ये प्रोटीन भी मैंने ऐड कर दिए, और कुछ करना है क्या ये? अरे रीसेट करने का आ रहा है बस ये। ओ तो बस मेरे को इसे ऐसे ऐड करना है, फॉर्मेट है क्या? अरे नहीं, गड़बड़ होगी। देखो यार इसे रेंडमली दबाने है क्या? वेट नहीं, इस ओ तो मुझे ना पहले कोई तो रेसिपी पढ़नी होगी। वो बुक का है, बुक का है, बुक में रेसिपी होगा पक्का, इस बुक के अंदर रेसिपी होगा पक्का। ही इज अ बॉय नाउ, क्या है यार ये? व्हाट आई एक्सपेक्ट, अ फ्यू वीक्स अगो आई फाउंड अ बाफोमेट book in this school secret library, it looked like that magical entity quite a bit, I have that whole event very blurry and I am starting to notice how my, यार एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ केमिकल एक्शन तो लिखे हुए हैं, ये देखो कि 1, 2, 3, 4 S यानी जो ग्रीन वाला है वो 4, और एक ये पिंक वाला और एक प्रोटीन। मेरे को थोड़ा समझ तो आया है बट क्या सीन है ये? गाइस यहाँ पर काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें बॉन्डिंग दिखा रखी है कि 4S यानी ये जो ग्रीन वाले हैं ये डालने हैं, और तुम पहले आ जाओ काम करो, तुम मेरे को मार डालो। वे वेट, ये क्या हो गया? ओके, तो अभी मेरे को एक काम करना है। सबसे पहले तो अब आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आ चुके हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत और संभल के रहना होगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि फटाफट ना अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ बाहर। मतलब बाहर नहीं जाना, बेसिकली मेरे को गन लेने जाना है ना, गन से पहले ठोकते हैं, या फिर मेरे पास उससे क्रेजी आइडिया ये है कि मैं अंकल को इधर बुला लूं पहले। अगर अभी मैं ऐसे अगर मर जाऊंगा तो मैं फटाफट से यहाँ से उठ के भाग सकता हूँ और अंकल उस जगह से इस साइड पर आ जाएंगे, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब चलते हैं फटाफट से दूसरी साइड पे, और साथ ही मुझे अपने साथ अब गन कैरी करना है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये लो गन, और ये पकड़, इसको लेके घुमा कर लो भाई, गन दो, अब चलते हैं हम लोग दूसरी साइड पे। अब आ जाए कोई सामने जरा, मेरे को फटाफट से वो सॉल्व करनी है। पहले तो यहाँ पर जितने रोबोट्स है ना उनको टिका दो भाई, वो ज्यादा इधर आती है, बहुत शोर करता है। तो दूसरा कहाँ पे? तो गाइस मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर 4-5 बोर्ड लगे हुए हैं और हर बोर्ड पे बॉन्डिंग दिखा रखी है जैसे केमिस्ट्री में होती है, तो शायद अपनी केमिस्ट्री वाली मैम को बुलाना पड़ेगा भाई इसे सॉल्व करने के लिए। बट मेरे को ना शायद से एक एक करके सारी ट्राई करनी चाहिए, वैसे देखने में तो कोई भी लग नहीं रहा पॉसिबल है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जितनी भी है ना सबको ट्राई करते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 बारी पी एक आई और फिर 3 ग्रीन वाली, 2 बारी पी मतलब ब्लू, तो 2 बारी ब्लू हो गई 2 बारी, और 1 बारी पिंक, और 3 बारी ये, ठीक है? ले ऐड हो जा, क्या बना? यस हो गया क्या? सप्लाई पोशन, अरे तू फिर उठ गया, चुप हो, इट सीम्स अ हार्मफुल रिएक्ट टू द पोशन। हुआ भाई, देखो इस चूहे को कुछ तो हो रहा है, बट करना क्या है? ओ वेट,
चूहा बड़ा हुआ गिर गया। ओ मैंने कर दिया भाई, ये मैंने बस ये वाला तुक्का भेड़ा हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। वो चूहा बड़ा होके नीचे आ चुका है, बट इस चूहे का क्या करना है वो कैसे पता चलेगा? ओए तू चुप बैठ। मैंने ना एक जगह देखी थी यार, उधर ऊपर एक ऐसे मतलब छोटा सा वेंट था, पता नहीं कहीं पर तो देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था उसमें कुछ करना है और शायद से मुझे उसके अंदर चूहे को डालना है। और अंकल आया क्या? यस, अभी रुक जाओ, अभी अंकल के रैपटा पड़ेगा। चूहे यहीं बैठे हो, भागे मत, बहुत पिटेगा। इधर आओ अंकल, ये लो, चुप रहना। यस 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 यस, वो जगह इधर थी, घेरी ये वाला वेंट मैंने नोटिस करा था, इसके अंदर इसको रखना है। पर ये करेगा क्या मुझे ये नहीं समझ आ रहा। वो अंदर चला गया, उसने शायद से कोई तार काट दी। The exit has been unlocked. Wait a second. Exit unlock हो चुकी है, बट हाँ मैं तब भी संभल के खेलूंगा, मुझे पहले अपनी गन वापस चाहिए, ठीक है ना? बदमाशी बाद में होगी, पहले गन दो मेरी। अभी ये रे अंकल, सब बेहोश पड़े हैं भाई, मैं जा रहा हूँ अंदर। यस, एग्जिट अनलॉक हो चुकी है, बट एग्जिट वाला गेट मैं इस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से भी ट्राई कर सकता हूँ। इसको गन दे देते हैं, अब चलते हैं। तो पहले मुझे शायद से ये वाला एग्जिट डोर ओपन करना है, फिर उसके बाद उधर जाना है। ऑल राइट, तो एग्जिट डोर वैसे ओपन हो ही चुका है ना इधर का, तो मैं अगर एक बार यहाँ से इसे ओपन कर दूंगा तो इसके थ्रू, रुक जाओ पहले इसको आने दो, आजा आजा तू आजा भाई पहले इधर आ, ये ले। हाँ तो भी इधर से मैं ये वाला एग्जिट डोर ओपन कर सकता हूँ, बट कैसे? क्या मुझे आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आ चुके हैं, तुम्हारी भैंस की सब पिट हो गए। ठीक है, तो भी मैंने मस्त रूम ओपन, डोर ओपन कर दिया, अभी चलने को दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर भी दे देते पूरा माइक को और गन लेकर चलते हैं हम लोग फटाफट से दूसरा डोर ओपन करने के लिए, जो कि है माइक वाली साइड पर। लाइक इधर से है ना वाला डोर शायद से, इधर यहाँ पर राइट में। यस, मुझे ये वाला डोर ओपन करना है, और इसके लिए मुझे बस क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर इसको इलेक्ट्रिकल पावर देना है और शायद से फिर ये ठीक हो जाएगा। गेले हो गया आई थिंक, नहीं इट इज एन एयर हेड, ही लैक्स ब्रेन, तो दिमाग नहीं है क्या? कोई तो चीज है जो कि मुझे लाकर रखनी होगी जिससे उसका दिमाग रिपेयर होएगा। यार अभी ना मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा ढांडी कर लिया है, बट मुझे कोई और इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं मिल रही फिलहाल। ओ वेट 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 वेट, मुझे यहाँ पर एक मिला है ब्रेन इन अ जार, शायद से यही है ब्रेन जो कि उसके ऊपर मेरे को लगाने ले जाकर इसको कॉलिंग रूम में रख के लाता हूँ, फिर मेरे को गन भी लेकर आनी है। वैसे नहीं यार, अगर ये काम मैं फटाफट से कर दूंगा ना तो मुझे दो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फटाफट चलता हूँ इधर, ये लेते हैं और चलते हैं दूसरी साइड पे। मुझे चुपचाप से जाना है और इस ब्रेन को बस लगा कर आना है उस रोबोट के हेड पे, फिर उसके बाद छोटा सा ही काम बचेगा। डन डन डन, पहुंच गया मैं, किसी ने नहीं देखा। इसको लगाना है यहाँ पे, एंड मे बी अ गुड इलेक्ट्रिक शॉक विल सेट इन मोशन। ठीक है, अभी बस मुझे शायद से बस अपनी इलेक्ट्रो गन का एक शॉट मारना है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी में करंट आएगा, मतलब वो ऑन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग इस रोबोट को अंदर भेज सकते हैं और मतलब कंट्रोल रूम के थ्रू एग्जिट ओपन करवा सकते हैं। अब चलते हैं लिस्ट बनकर गन लेने, और गन लाकर बेसिकली माइक को वापस करनी है। ओह वेट, नीचे मिनी रोड था और ऊपर भाई साहब मरते मरते बचाऊ मैं। मेरे को जहां तक याद आ रहा है वो गन मैंने यहाँ ड्रॉप करी थी। ठीक है, मिल चुकी है मेरे को क्लास ओ अपनी इलेक्ट्रो गन। अंकल जी ये लो। ठीक है भाई, ये ले गन, अब फटाफट से काम खत्म करते हैं। लेट्स गो, अब बस इलेक्ट्रो गन के थ्रू मेरे को एक शॉट मारना है, इसके नहीं मतलब उस नए वाले रोबोट के, मिनी रोड के, जो कि मैंने बनाया है, मतलब मैंने उसे कंप्लीट करा है। इरा शॉक मारा, यहाँ पर एक कंप्यूटर चालू हो चुका है और मुझे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, और मुझे पता है ये कैसे करनी है। देखो एक बार कंफर्म कर आ जाता हूँ बस। देखो मतलब सीन कुछ ऐसा है ना कि जो कंट्रोल रूम है, मैं रोबोट को जो रास्ता बताऊंगा वो उसी रास्ते पर जाने वाला है। लाइक यहाँ से वो एंटर होगा, फिर उसे सीधा सीधा राइट जाना है और वहां पर पहुंचने वाला बटन दबवाना है, तो मुझे उसे वही रास्ता समझाना होगा। ठीक है, मैं बस कंफर्म करने आया था वो किधर है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग जो होगी वो होगी ऐसे कि पहले रोबोट जाएगा अप, तो दबा देते नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, अब क्यों जाएगा पहले, ऐसे यहाँ पर जाना है। हाँ कैसे भी भेज सकते हैं, पहले जाएगा अब नहीं 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 कैंसिल कैसे होता है, ऐसे नहीं जा पाएगा वो, पहले जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट भी नहीं क्योंकि फिर अगर एक बार लेफ्ट गया फिर सीधा ऊपर चले जाएगा और सीधा नीचे आएगा, मेरे सबसे रुकेगा नहीं। पहले मेरे को भेजना है राइट, ये जाएगा राइट क्योंकि अपने पास ना भेजने के लिए सिर्फ पांच स्टेप है, तो पांच स्टेप में मुझे उसे वहां तक भेजना है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, फिर इसे भेजना है अप अप, फिर यहाँ पर रुक जाएगा, फिर इसे भेजना है लेफ्ट लेफ्ट, फिर लेफ्ट में यहाँ रुकेगा, फिर दोबारा से अप, दोबारा से अप, फिर दोबारा से लेफ्ट। आई थिंक ये करेक्ट है। सेव रिकॉर्डिंग पेट्रोल रूटीन प्रोटोटाइप मिनी रोड रेडी है ब्रो, लड़ाई एक सेकंड रुक जा, रेडी होने से पहले ना एक आध बंदे ठोकाऊ जो बाद में परेशान करेंगे, तो निकल यहाँ से, अभी टेंशन की जरूरत नहीं है, प्रोटोटाइप को लेकर चलते हैं और फटाफट से हम लोग रखते हैं। अरे यार तुम इधर आओ, मुंह उठाए झोला लिए कहीं भी चल देते लो। यस मिनी रोड रेडी है, बाकी मिनी रोड को मैंने लपेट दिया है और अभी बस इसको मुझे रखना है यहाँ पे। ये गया अंदर, अरे हाँ लेफ्ट जाना है, यहाँ से सीधे सीधे, अरे ओए सीधा, अच्छा ठीक है वो थोड़ा सा अटकेगा फिर चलेगा। भाई जल्दी से करते, मेरे को डर लग रहा है भाई इस टाइम पर कोई एकदम एंड टाइम पर ना आ जाए, मैंने पूरा काम कर दिया है, वो सामने जाके भिड़ा होगा, अब यहाँ से उसे लेफ्ट जाना है और शायद से बस ये बटन दबा दे मजा आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ गन लेकर आ ही जाता हूँ यार, मेरे को कोई ना गड़बड़े नहीं चाहिए एंड टाइम पे क्योंकि हर तरफ रोबोट्स हैं। तो ठीक है भाई, अभी मैंने गन उठा लिया और अभी टेंशन खत्म है, चलकर देखता हूँ कि अपना मिनी रोड कहाँ पर है। वो देखो वो वहां तक पहुंच गया और उसने बटन दबा दिया है, दबा, द एग्जिट हैज बीन अनलॉक्ड। Let's go! अरे ये ले, एग्जिट अनलॉक हो चुकी है क्या, एक बार चेक कर लूं। यस
एग्जिट अनलॉक हो चुकी है और अभी दोनों लोग यहाँ पर आ गए भाई फाइनली। Listen, Liz. Oh, भाई. काफी क्रेजी एग्जिट था ये बट मजा आया। बट अभी हम लोग इसकी फैक्ट्री से एस्केप नहीं कर रहे हैं। हम दोनों लोग साथ मिल गए हैं और दोनों लोग हम लोग ओके बाय द वे ओ ठीक है ये तो चारों लोग मिल चुके हैं। अरे वो कहाँ चला गया? वो यहीं पर केक, मुझे पता था गड़बड़ होगा, वो यहीं पर केक खा रहा है, उसने केक खत्म कर दिया और अभी अंकल से बचने नहीं वाला भाई। भागा भाई भागा, शायद से वो कूद जाएगा उसमें टाइम पे। कूदा इधर से आया है, ये मेन गेट से आ गया और अभी अंकल को पता चल चुका है कि चारों बच्चे यहाँ छुपे हुए हैं। इसके चक्कर में फैक्ट्री से निकलना अब और मुश्किल हो गया है, बट ठीक है, हम लोग चारों साथ मिल चुके हैं, रीयूनाइट हो चुके हैं। अब बस इसकी फैक्ट्री से बाहर निकलना है क्योंकि शायद से चारों को मिलकर इजी रहेगा, बट प्रॉब्लम ये है उसे पता चल गया अपने पास अब एक ही कमरा छुपे रहने के लिए। नाइस, तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का एक गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार फटाफट से वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का प्यारा सा सब्सक्राइब कोड नारों से दबा डालो और कमेंट्स करके बताना कुछ इसी टाइप की और भी गेम्स के बारे में जो मुझे खेलने चाहिए। बाकी यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।